हे गाइस, मैं आरती आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरे चैनल लर्न लाइवली पर। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ एक बहुत ही प्यारी सी रेसिपी जो कि साउथ की बहुत ही फेमस रेसिपी है, ट्रेडिशनल रेसिपी है। इसे स्वीट पोंगल या फिर छकारा पोंगाली के नाम से जाना जाता है, सॉरी अगर मैंने गलत बोला हो। और ये एक रिक्वेस्टेड रेसिपी है जिसकी रिक्वेस्ट यहाँ पर कृष्णा जी ने करी थी, तो कृष्णा जी थैंक यू। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ये रेसिपी बनाने के लिए आपको बहुत ही साधारण चीज़ों की ज़रूरत है। अगर मैं कहूँ तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, एक तरह से हेल्दी डेजर्ट है। इसको बनाने के लिए आपको मूंग दाल, चावल, देसी घी, कुछ ड्राई फ्रूट्स और गुड़ और थोड़ी सी चीनी की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने हरी इलायची ली है। तो यहाँ पे मैंने पैन को गैस पे रख दिया और अब हमें लेना है 3 बड़े चम्मच मूंग दाल। मैंने यहाँ पे इस चम्मच से मूंग दाल मापी है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर रही हूँ। हमें गैस की फ्लेम को लो रखना है और लो फ्लेम पर हमें मूंग दाल को अच्छे से भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे दाल जो है वो मेरी बढ़िया गोल्डन हो गई है। मैंने लो फ्लेम पर इसको गोल्डन किया है। आप मीडियम या हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी ना करें, लो फ्लेम पर इसको गोल्डन करें। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दी और आइए मैं बताती हूँ आगे हमें क्या करना है। तो ये दाल मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ चावल वाली बर्तन में और इसको मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ एक बार। तो ये देखिए, यहाँ पे चावल और दाल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और यहाँ पे जो चावल मैंने लिया है, जिस चम्मच से मैंने दाल को मापा था उसी चम्मच से मैंने 7 चम्मच यहाँ पे चावल लिया है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक प्रेशर कुकर और इसके अंदर ये जो चावल और दाल को मैंने वॉश किया है इसको ट्रांसफ़र करूँगी। और अब हमें इसमें ऐड करना है पानी। तो पानी यहाँ पर मैं 1 कप ले रही हूँ पहले, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप पानी और। तो यहाँ पे मैं 1.5 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा घी, करीब 1/2 छोटा चम्मच। तो यहाँ पे मैंने घी ऐड किया है, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कीजिए। मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि हमारे दाल और चावल अच्छे से अलग अलग रहें, एकदम से चिपके ना इसलिए। तो अब हमें इसको हाई फ्लेम पर 2 सीटी आने तक पकाना है। तो आइए ओपन करके देखते हैं चावल और दाल कैसा पका है। तो ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से चावल और दाल पक चुके हैं। अब मैं आपको आगे की विधि बताती हूँ। तो अब हमें लेना है यहाँ पे एक अलग से पैन और इसके अंदर हमें ऐड करना है 1/2 कप गुड़ और यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच चीनी ली है। तो चीनी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें या फिर आप सिर्फ इसको गुड़ में बना सकते हैं और आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम मीठा या ज़्यादा मीठा भी कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप पानी और गैस की फ्लेम को अब हम ऑन करेंगे और इसको अच्छे से हम पका लेंगे, पिघला लेंगे चीनी और गुड़ को। तो गैस की फ्लेम को मीडियम रखिए और मीडियम फ्लेम पर आप इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से पिघला लीजिए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि गुड़ और चीनी दोनों अच्छे से मेल्ट हो गए हैं। अभी मैं इसको लो टू मीडियम हीट पे 1 से 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकाऊंगी। आपको इसकी चाशनी नहीं बनानी है, बस पिघलने के बाद आप 2 मिनट तक और इसको लगातार चलाते हुए पका लीजिए, बस ये तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं इसको उतार रही हूँ और इसी पे हम रखेंगे एक तड़का पैन या फिर आपके पास छोटा पैन हो तो आप ले सकते हैं। और इसमें हमें ऐड करना है देसी घी, तो देसी घी यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे मैं 3 बड़े चम्मच तक देसी घी ऐड कर रही हूँ। तो घी पिघलने के बाद हमें इसमें ऐड करना है 2 इलायची, उसको थोड़ा सा क्रश कर लीजिएगा या अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप उसे लास्ट में ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इलायची को हम इसमें स्टर कर देंगे और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स, तो काजू और यहाँ पे बादाम और मैंने सूखा हुआ नारियल लिया है। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखें। तो अब मैं इसको इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से हल्का सा गोल्डन करेंगे और आपको इस तरीके से इसको मिक्स करते रहना है ताकि सभी तरफ से गोल्डन हो जाए। तो यहाँ पे मैंने काजू बादाम खड़े डाल दिए, आप चाहें तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके भी डाल सकते हैं। जैसे ही आपको लगे हल्का सा काजू का कलर चेंज हो रहा है तो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा ये जो किशमिश होती है रेजिन्स, इसको, और इसको भी आप इसमें अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अभी मैंने गैस की फ्लेम को लो रखा है, रेजिन्स ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर दें और इसको बढ़िया गोल्डन कर लें। तभी आप देख सकते हैं कि रेजिन्स इस तरीके से फूल गई हैं जैसे अंगूर हो जाते हैं। तो बस अब मैं इसको साइड में कर रही हूँ, ये देखिए बढ़िया गोल्डन हो गए हमारे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैंने फिर से पैन को रखा और इसके अंदर मैं सबसे पहले ये जो गुड़ है इसको इस तरीके से छान लूँगी ताकि गुड़ में कुछ भी अगर गंदगी हो तो निकल जाए। वेल, कुछ भी आया नहीं इसमें। अभी हम इसमें ऐड करेंगे चावल जो हमने पका के रखा था, दाल और चावल, इसको। गैस की फ्लेम को मैं हाई कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी इसमें। यहाँ पे मैं स्पैचुला बदल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही आवाज़ कर रहा है।
अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जैसे ही आपको लगे अच्छा गर्म हो गया, इसमें बबल्स बनने लगे, गैस की फ्लेम को लो कीजिएगा और लो फ्लेम पर इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको ऐड कर दीजिएगा। और इसको अब हम अच्छे से घी के साथ और ड्राई फ्रूट्स के साथ पकाएंगे। गैस की फ्लेम को आप मीडियम रखिए और मीडियम फ्लेम पर आप इसको पकाइए जब तक ये बढ़िया ड्राई ना हो जाए, सभी चीज़ें एक साथ अच्छे से मिक्स ना हो जाए, तब तक आपको इसको इस तरीके से लगातार चलाते हुए पकाना है। तो मैं यहाँ पे इसको मीडियम फ्लेम पर पका रही हूँ। इस तरीके से आपको चलाते रहना है, चलाना आपको नहीं छोड़ना है, अदरवाइज़ ये जल जाएगा और अच्छा इसका टेक्सचर नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप इसको हल्के हाथों से मिक्स करते हुए पकाइएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि अच्छे से ड्राई हो गया है, इसमें जो पानी था वो पूरा ख़त्म हो गया है और ये घी भी हल्का हल्का सा रिलीज़ कर रहा है। तो बस आपको इसी स्टेज तक पकाना है जब तक इसे घी रिलीज़ ना होने लगे। और जितना घी मैंने ऐड किया था आप उतना घी ऐड करेंगे, तो आपको अलग से घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कम घी ऐड करते तो आपको लास्ट में थोड़ा सा घी और ऐड करके इसको इस तरीके से पकाना रहेगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी पैन में चिपक नहीं रहा है और इसमें काफ़ी सारा घी भी आपको अलग होता हुआ दिख रहा है। तो बस आपको इसी स्टेज तक इसको पकाना है। गैस की फ्लेम को मैं बंद कर रही हूँ। तो आई होप कि आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। मैं आपको जल्द मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन ईट हैप्पी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय, टेक केयर।